आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। कांग्रेस विधानसभा में अब स्पीकर के दाएं हाथ की बजाय बाएं हाथ की तरफ बैठेगी। भूमिका बदल चुकी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी। क्या पार्टी हार की समीक्षा के साथ ही लोकसभा की तैयारियों में जुट जाएगी? कांग्रेस की हार में किन कारणों ने बड़ी भूमिका निभाई है, देखिए इस रिपोर्ट। कांग्रेस के सत्ता का सूर्यास्त हो चुका है। राज्य में अब बीजेपी का सूरज उगा है और कमल भी खिल गया है। पूरे 115 कमल खिलकर बीजेपी की झोली में आ गए। कांग्रेस भी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार नजर आ रही है। लेकिन क्या ये पराजय कांग्रेस के गले उतर रही है? दरअसल इस हार के लिए कांग्रेसी मन से कितने तैयार थे या नहीं थे, इस बारे में तो दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बयानों में अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और सचिन पायलट तक कोई भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अभी चुनाव जो है वो राजस्थान खाली राजस्थान इंटरेस्ट में नहीं है, देश के इंटरेस्ट के अंदर भी है। कांग्रेस पार्टी के भविष्य के चुनाव है। अभी तमाम बातें भूल करके खाली एक उद्देश्य रखो, सरकार रिपीट कैसे हो। कोविड में अच्छा काम करने सरकार अगर रिपीट हो सकती है तो राजस्थान में कोविड में शानदार काम किया, भीलवाड़ा मॉडल बन गया और बाकी इसकी मिट्टी लाए हम लेके आए, रोज बता रहे हैं आपको हम लोग। चुनाव के पहले के बयानों को चुनावी नतीजों ने हकीकत से रूबरू करा ही दिया। सत्ता से बाहर हुई तो कांग्रेस ने हार भी मानी और आगे के रास्ते पर बढ़ने की बात भी की। पार्टी चिंतन मनन की बात कर रही है और हर बार की तरह इस बार भी समीक्षा सिर्फ हार की ही होती नजर आ रही है। निश्चित रूप से हमारे संगठन और सत्ता में एकजुटता है, हम सब लीडर एकजुट हैं तो हम जीतेंगे चुनाव। और लोगों ने मन बना लिया कि अब की बार सरकार को रिपीट करनी है। जो भी कांग्रेस लीडरशिप एआईसीसी के अध्यक्ष राहुल जी और लीडरशिप जो दिल्ली में है, जो भी वो तय करेंगे उसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी नेता प्रतिपक्ष बनने की और विधायक दल का नेता बनने की। कांग्रेस के नेता आगे बढ़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता के मन में जिज्ञासा इस बात की है कि क्या जिस तरह विधानसभा चुनाव में गए या जिस एकजुटता से विधानसभा चुनाव में लड़े, क्या उसी एकजुटता से आगे की तैयारी करेंगे? क्या हार के बाद नेताओं की जिम्मेदारी तय होगी? शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।